नमस्कार, मैं हूं कनुप्रिया सत्तन और आप देख रहे हैं लाइव टीवी समाचार। आइए नजर डाल महोत्सव पर बूस्टर डोज के विशेष अभियान आज से शुरू हुआ। भाजपा विधायक पलटू राम ने प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र जोकहिया में फीता काटकर अभियान का शुभारंभ किया और पुष्प वर्षा कर कोरोना फ्रंटलाइन वर्कर को सम्मानित किया। सीएमओ डॉक्टर सुनील कुमार ने कहा कि सभी लोगों को कोरोना महामारी के विरुद्ध चलाए जा रहे इस अभियान में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेना चाहिए। बूस्टर डोज का कोई शुल्क नहीं लग रहा। जो लोग दो वैक्सीन लगवा चुके हैं और 6 महीने हो चुके हैं, उन्हें बूस्टर डोज अवश्य लगवानी चाहिए। सभी लोग वैक्सीन और बूस्टर डोज लगवाएं और इसके साथ ही प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र जो कहिया बूस्टर डोज का शुभारंभ सीएमओ डॉक्टर सुनील कुमार, बलरामपुर विधायक पलटू राम और पार्टी पदाधिकारियों, डॉक्टर, फार्मासिस्ट, एएनएम, विधायक की उपस्थिति में किया गया। राम ने कहा कि कोरोना एक भयावह महामारी है और इससे बचाव का वैक्सीन और बूस्टर डोज ही रास्ता है, इसलिए सभी को वैक्सीन और बूस्टर डोज लगवाना चाहिए। बलरामपुर मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर सुशील कुमार ने बताया कि बलरामपुर प्रदेश में वैक्सीनेशन के मामले में 3rd नंबर पर है और बूस्टर डोज लगवाने के मामले में अव्वल रहेगा। अभी के लिए बस इतना ही, बाकी खबरों का सिलसिला लगातार रहेगा जारी। अगर आप रहना चाहते हैं हर वक्त अपडेटेड, देखते रहिए लाइव टीवी समाचार।